इन अर्लियर डेज अ कंप्यूटर कंप्यूटर सी पी यूज टू ऑक्यूपाई ए लार्ज रूम और मल्टीपल कैबिनेट्स क्यों क्योंकि अपने पास जो टेक्नोलॉजी थी वो अलग अलग टेक्नोलॉजी थी सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब था वैक्यूम ट्यूब एक कंप्यूटर बनाने में बीस से बाईस वैक्यूम ट्यूब लगते थे इसलिए करीब करीब बीस बाई बीस का एक कमरा इन्वॉल्व हो जाता था जैसे नाम सुना था आपने इनियक का इनियक पूरे बीस बाई बीस के कमरे में पूरा सेट होता था However, with the advancement of in the technology, the physical size of CPU has reduced and it is now possible to place a CPU on a single microchip. Kaha par Single microchip only. A processor, processor, a processor which is implemented on a single microchip is called microprocessor. पूरा जो एक सिंगल चिप पे जिसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया पूरे पूरे प्रोसेसर के जितने भी प्रोसेसर के पार्ट थे उनको एक छोटे से छोटे से क्या टिकट साइज चिप पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो इस सिंगल माइक्रोचिप जो बनी इस माइक्रोचिप को ही हम क्या बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर नाउ इट इज़ आल मोस्ट आल द सी पी यूज आर माइक्रो प्रोसेसर अभी जितने हम देखते हैं मैक्सिमम में माइक्रो प्रोसेसर होते हैं हैंस द टर्म्स आर यूज सीनोमसली फॉर प्रैक्टिकल पर्पज कहीं भी जाते कुछ भी ये माइक्रो प्रोसेसर है ये माइक्रो प्रोसेसर जहाँ भी तुम्हें प्रोसेसर मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर मोबाइल भी देखते हो इसका माइक्रो प्रोसेसर खराब हो गया है माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट इन ए कम्प्यूटर दैट कैरीज आउट वेरियस टास्क इन्वाल्व इन डेटा प्रोसेसिंग एज वेल एज अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम है माइक्रोप्रोसेसर कैरीज आउट वेरियस टास्क इन्वाल्व इन डेटा प्रोसेसिंग एज वेल एज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी काम होते हैं जो सी पी यू करता है या माइक्रोप्रोसेसर ही करता है द माइक्रो प्रोसेसर इज ए बिल्ट ओवर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्राइजिंग मिलियंस ऑफ स्मॉल components like रजिस्टर्स transistors and diodes ठीक है माइक्रो प्रोसेसर इज बिल्ट ओवर एन इंटीग्रेटेड सर्किट वी एल एस आई वी एल एस आई इंटीग्रेटेड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इन सबको एक साथ मिला के बना दिया क्या माइक्रो प्रोसेसर ठीक है। अगेन माइक्रोप्रोसेसर है इवॉल्व ओवर माइक्रो प्रोसेसर हेज इवॉल्व ओवर टाइम इन टर्म्स ऑफ दियर इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी डिक्रीजिंग फिजिकल डिक्रीजिंग फिजिकल साइज एंड रिड्यूस्ड कास्ट माइक्रो प्रोसेसर बनने से क्या फ़ायदा हुआ जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी थी वो बढ़ गई लेकिन जो कास्ट थी वो घट गई आज की डेट में दस हजार में भी कंप्यूटर खोजोगे तो मिल जाएगा असेंबल्ड कंप्यूटर जाओगे तो दस से बारह हज़ार में असेंबल्ड हो जाते करंटली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर माइली मिली सेकेंड एक मिली सेकेंड में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मिली सेकेंड लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर अलॉन्ग विदेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड अंडरलाइन टेक्नोलॉजी सिंस दियर इंसेप्शन इन अर्ली नाइनटीज यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर का उसकी टाइप दिया हुआ है उसकी साइज दी हुई है, है, है और इसकी स्पीड क्या होती है कितने इंस्ट्रक्शन किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को जब देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है तो उसकी क्लाक स्पीड देखते हैं उसमें कितने कोर यूज हुए हैं वो देखते हैं उसकी मेमोरी साइज कितनी है वर्ड साइज कितनी है चिप्स क्या कौन सी लगी है और कितने इंस्ट्रक्शंस वो एक बार में एक मिली सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शंस एक साथ में वो हैंडल कर सकता है तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन 1971 से 73 में शुरू हुई थी चिप साइज़ चिप टाइप एल थी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वर्ड साइज़ फ़ोर टू एट बिट था मैक्सिमम मेमोरी साइज वन के बी बहुत कम वन के बी बहुत कम होती है दस सौ वन जीरो टू फोर बाइट की रही होगी क्लाक स्पीड देखो वन ज़ीरो एट किलो हर्ड्स से दो सौ किलो हर्ड्स तक थी उसका नाम था एंटी एट जीरो एट जीरो सेकेंड जनरेशन में एल एस आई यूज़ हुई के बी से एम बी हो गया के बी से एम बी हुआ तो कितना डिफरेंस आया टेन ट्वेंटी फोर का टेन ट्वेंटी फोर टेन ट्वेंटी फोर बाइट्स का क्लाक स्पीड दो एम एच जेट का होती है मेगा हर्ट्स की कोर सिंगल था मोटरोला सिक्स एट डबल जीरो और इंटेल एट जीरो एट फाइव यहीं से जरूर एट जीरो एट सिक्स से फोर एट सिक्स की शुरुआत होती है ये यह, यहाँ से देखो ये थ्री एट सिक्स है इसके बाद ये सब फोर एट सिक्स थ्री एट सिक्स फोर एट सिक्स के बाद पेंटियम आ गया फोर एट सिक्स के बाद सीधे सीधे पहले अगर तुम्हारे घर में बहुत पुराना सिस्टम पड़ा होगा तो वहाँ पर फोर एट सिक्स लोग कहते होंगे कि इसका प्रोसेसर कौन सा है तो इसका प्रोसेसर है फोर एट सिक्स तो थर्ड जनरेशन में फोर मेगा से सिक्सटीन एम बी उसकी मेमोरी साइज हो गई ये ये जितनी मेमोरी साइज बढ़ती है इसी के अकॉर्डिंग उसके इंस्ट्रक्शंस मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड वो एग्जीक्यूट होते हैं फोर्थ जनरेशन वीएलएसआई चार जी तक की मेमोरी साइज हो गई क्लाक स्पीड 133 थर्टी तक हो गई फिर फिफ्थ जनरेशन में एस एस एल आई फिर सिक्सटी फोर बिट सिक्सटी फोर जी बी फाइव थर्टी थ्री मल्टी कोर होने आने लगे मल्टी कोर कब से आने लगे नाइन्टी फाइव से और यहाँ पे पेंटियम हो गए सेलरान हो गए जेनान हो गए और बहुत सारे मोबाइल में देखोगे तो मोबाइल में बहुत सारे प्रोसेसर आने लगे फिर अब हम लोग एक एक टर्म्स को देखेंगे कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है माइक्रोप्रोसेसर का स्पेसिफिकेशन आपने देख लिया चिप साइज़ हो गया वर्ड साइज़ हो गया मेमोरी साइज़ हो गई क्लाक स्पीड हो गई कोर हो गया एग्जाम्पल तो इसके जो टर्म्स यूज हो रहे हैं इन टर्म्स का क्या मतलब है माइक्रोप्रोसेसर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स लूड चिप टाइप वर्ड साइज मेमोरी साइज क्लैक स्पीड एटसेट्रा दीज फीचर आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो सबसे पहला आता है वर्ड साइज वर्ड साइज क्या होता है वर्ड साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स दैट ए माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम वर्ड साइज का मतलब क्या हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स दैट ए माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम एक बार में कितने नंबर ऑफ बिट्स को प्रोसेस कर सकता है दिस इज कार्ड वर्ड साइज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर अर्लियर एट बिट एंड इट वॉज मैक्सिमम लिमिट द टाइम एट प्रेजेंट द मिनिमम वर्ड साइज इज सिक्सटीन बिट एंड द मैक्सिमम वर्ड साइज इज सिक्सटी फोर बिट अब सोच समझ सोच सकते हो कि 64 बिट का मतलब एक बार में इतने बिट को एग्जीक्यूट कर सकता है जैसे अगर हम जीरो वन जीरो जीरो वन के कॉम्बिनेशन बनाए तो एक साथ 64 बिट से जो नंबर बनेगी या जो इंस्ट्रक्शन बनेगा सबको एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है फिर नेक्स्ट आता है मेमोरी साइज मेमोरी साइज डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज द साइज ऑफ रैम वेरीज इनिशियली रैम वॉज़ वेरी स्मॉल फोर जी बी ड्यू टू फोर टू एट बिट वर्ड साइज एज वर्ड साइज इंक्रीजेस टू सिक्सटी फोर बिट इट हैज़ बिकम फिजिबल टू यूज रैम साइज अपीन एक्सा बाइट आज की डेट में जो एडवांस कंप्यूटर्स आते हैं वो एक्सा बाइट्स में आते हैं मतलब उनकी रैज साइज़ सुपर कंप्यूटर्स ये सब इनकी जो देखो रैम की साइज़ जो बढ़ा के किया सिक्सटीन एक्सा बाइट और एक्सा बाइट तुम पढ़ चुके हो कि एक्सा बाइट कितनी हो सकती है अगर बाइट में गिनना चाहो तो गिनते जाओ फिर तीसरा आता है क्लॉक स्पीड कंप्यूटर्स हैव एन इंटरनल दैट जनरेट पल्सेज एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्लॉक स्पीड सिंपली मीन्स द नंबर ऑफ पल्सेज जनरेटेड पर सेकेंड नंबर ऑफ पल्सेज जनरेटेड पर सेकेंड बाय क्लाक इन साइड ए कंप्यूटर द क्लाक स्पीड इंडिकेट्स द स्पीड एट विच द कंप्यूटर कैन एक्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस द क्लाक स्पीड क्या बताती है द स्पीड एट विच द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस अर्लियर इट वॉज मेजर्ड इन हार्ड्स एंड किलो हर्ड्स बट द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड चीप डेंसिटी इट इज नाउ मेजर्ड इन जीगा हर्ड्स दैट इज़ बिलियन ऑफ पल्सेज पर सेकेंड फ्रिक्वेंसी और आइसीलेशन पढ़े हो ना तो उसके हिसाब से आप सोच लो कि अगर एक जीगा हर्ट्स का अगर उसका पल्स पर सेकेंड है तो कितनी बार वो वाइब्रेट हो सकता है अगर बाहरी कोई चीज़ है जिसको जीगा हर्ट्स में हम करें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है आपके लिए इस बुक में द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑफ डिफरेंट जनरेसन्स आर गिवन इन टेबल वन पॉइंट टू रिप्रजेंट ईच ऑफ द मेमोरी साइज इन टर्म्स ऑफ पावर टू सबको टू के पावर में आपको लिखना है अगर लिख पाए तो लिखिएगा घर में करने की कोशिश करिएगा उससे आपको पता चलेगा कि ये उसकी कितनी स्पीड है एक कंप्यूटर की वर्ड साइज में और कितने इंस्ट्रक्शन एक साथ वो प्रोसेस कर सकता है अगला है कोर कोर इज़ अ बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ सी पी यू अर्लियर प्रोसेसर हैड ओनली वन कंप्यूटेशनल यूनिट दे आर बाई कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क एट ए टाइम विद द इन्वेंट ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर

मतलब जितने उसके कोर बढ़ते जाएंगे जितनी उसकी कंप्यूटेशनल कैपेसिटी बढ़ती जाएगी उतने ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी ठीक है पहले ये नहीं था पहले क्या था ओनली वन कंप्यूटेशनल यूनिट अभी क्या है दो चार आठ ऐसे टू के पावर में कंप्यूटेशनल यूनिट्स होती हैं नेक्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूट माइक्रो कंट्रोलर ए माइक्रो कम्प्यूटर कंट्रोलर इज ए स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस विच हैज़ ए सी पी यू अ माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस विच हैज ए सी पी यू ए फिक्सड अमाउंट ऑफ रैम रोम एंड अदर पेरीफेरल्स इन आल एम्बेडेड इन अंगल चिप एज कंपेयर टू माइक्रो प्रोसेसर दैट हैज ओनली सी पी यू ऑन द चिप माइक्रो कम्प कंट्रोलर क्या होता है एक अलग से कंप्यूटिंग डिवाइस होती है जिसमें सी पी यू रैम का अमाउंट कुछ रोम का अमाउंट और कुछ अलग से पेरीफेरल्स जो होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन एक चिप में एक चिप में इसकी पूरी इंफॉर्मेशन को एम्बेडेड कर दिया जाता है रख दिया जाता है द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज सो कंट्रोलर इज सोन इन फिगर कीबोर्ड माउस वॉशिंग मशीन डिजिटल कैमरा पेन ड्राइव रिमोट कंट्रोलर माइक्रोवेव र फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एज दिज आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली हे दी आर साइज एज वेल एज कास्ट इज रिड्यूस्ड जिस तरह का काम होगा उस तरह का माइक्रो कंट्रोलर करेंगे बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर इट इज एम्बेडेड इन अनदर डिवाइस सिस्टम टू परफॉर्म माई स्पेसिफिक functionality for example the microprocessor microcontroller in fully automatic washing machine used to control the washing cycle without any human intervention the cycle starts with the filling of water after which the clothes are soaked and washed thereafter the water is drained and the clothes and spin dry the simple use of microcontroller has permitted रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ़ द टी task automatically टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन the वाइज सेविंग द टाइम यहाँ पे देखो ये माइक्रो कंट्रोलर है माइक्रो प्रोसेसर की ही तरह से ये एक माइक्रो कंट्रोलर होता है इसमें देखो क्या क्या होता है एक क्लाक हो गई एक सी हो गई और कुछ मेमोरी का पार्ट हो गया और कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट सिस्टम के इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो गई जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पे इसने काम हो गया तो मेमोरी को भेज दिया या मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लिया और सारी चीज़ें किसके थ्रू जाती हैं माइक्रो कंट्रोलर को बस के थ्रू कोई भी डेटा कंप्यूटर में जाएगा किसके थ्रू जाता है बस के थ्रू तो यहाँ से अगर काम हो गया तो देखो आउटपुट या इनपुट आ सकती है बस के थ्रू फिर सी से डेटा ले सकता है सी से सी को डेटा दे सकता है एज पर इंस्ट्रक्शन ये बस पूरा बस काम करती है और ये पूरा सिस्टम मिला के माइक्रो कंट्रोलर वो कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा एंड इंफॉर्मेशन डेटा का मतलब समझते हो गए ये बहुत पहले ही पढ़ा देना चाहिए पढ़ा नहीं देना चाहिए बहुत पहले ही लिखा होना चाहिए मैं डेटा का बात बताया भी था आपको डेटा कि डेटा क्या होती है कोई भी रा फैक्ट है कोई भी लिखा हुआ है कुछ भी लिखा हुआ है जैसे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है तुम्हारी एज लिखा हुआ है कुछ भी लिखा हुआ है एक दो तीन चार तुम्हारा नाम लिखा हुआ है कहीं भी ए, ये किसी का नाम लिखा है किसी जगह का नाम लिखा है ये सभी डेटा हैं जिनका कोई मतलब नहीं है लेकिन जब भी उनको हम एक प्रोसेस्ड वे में लिखते हैं एक अरेंज वे में लिखते हैं ये हमेशा इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो डेटा क्या होता है डेटा एक तरह से रा फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब होता है जैसे नाम हो गया हमारा फैक्ट्स एंड फिगर्स का क्या मतलब फैक्ट्स का क्या मतलब फैक्ट्स फैक्ट्स का क्या मतलब जैसे ट्वेल्व है ये फैक्ट है तुम्हारा नेम है सपोज आकाश तुम्हारा नेम है ये फैक्ट है और ये ये नाम है तुम्हारा ये फैक्ट है ये फिगर है इसको फिगर बोलते हैं। तो इन सबको कुछ भी रहा फैक्ट अब मान लो हमने ट्वेल्व आकाश लिख दिया इसका क्या मतलब हुआ कोई मतलब नहीं हुआ एक ये आपके लिए एक डेटा है कोई डेटा है जिसमें एक जो फिगर है जो डिजिट्स हैं वो वन टू हैं और एक नाम टाइप का कुछ है या टेक्स्ट टाइप का है जिसमें ए के एस एच लिखा हुआ है तो ये चीज़ जो हो गई आपकी रा फैक्ट्स एंड फिगर्स इसी टाइप की चीज़ को मिला के डेटा बनाते हैं और अगर हम कहते हैं कि नहीं ये क्लास एलेवेंथ का कोई स्टूडेंट है तो अब ये इंफॉर्मेशन हो गई यही जो रा डेटा था वो इन्फॉर्मेशन हो गई ठीक है तो ए कंप्यूटर इज प्राइमरली ए प्रोसेसिंग डेटा ए कंप्यूटर ए कंप्यूटर सिस्टम कंसीडर एवरीथिंग एज ए डेटा कंप्यूटर में हम कुछ भी ले जाएंगे कंप्यूटर कुछ भी हम देंगे ये डेटा होगा बीट इंस्ट्रक्शंस पिक्चर्स सॉन्ग्स वीडियो डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा डेटा कैन ऑल्सो भी एंड अनरिकोगनाइज फैक्ट्स दैट आर प्रोसेस टू गेट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन डेटा का मतलब कहीं कहीं कुछ भी है कुछ भी लिखा है कुछ भी पढ़ा है कुछ कुछ भी बोल दिया दैट इज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब अनआर्गनाइज फैक्ट्स मतलब उसकी कोई मीनिंग हमको नहीं पता है मीनिंग तब तक नहीं पता चलेगी जब तक हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लिखेंगे कि ये क्या चीज़ है और जैसे ही वो मीनिंगफुल डेटा हो जाता है जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन हमारी मीनिंगफुल हो जाती है ये हमारा हो जाता है इन्फॉर्मेशन सो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डेटा एलॉन्ग विद द एलॉन्ग विथ इट्स डिफरेंट टाइप इज क्रूसियल टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर समटाइम्स पीपुल यूज टू टर्म डेटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इंटरचेंजेबली विच इज इनकरेक्ट ठीक है तो डेटा एंड इट्स टाइप डेटा क्या डेटा क्या होता है और इसके कितने तरह का डेटा हो सकता है ये हम लोगों को पढ़ना है आठ बारह ही इसको बस हम डेटा एंड इट्स टाइप का एक लुक uh, देख लेते हैं बाकी चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे ए कंप्यूटर सिस्टम हैज़ एट हैज़ मेनी इनपुट डिवाइसेज विच प्रोवाइड इट डेटा इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स कॉन्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा हो रहा कि हैज मेनी इनपुट डिवाइस विच प्रोवाइड इट विथ डेटा इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स कॉन्सेप्ट एंड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ये इनपुट हो गया हमने उसको लिखा ट्वेल्व ये इनपुट हो गया तभी तो स्क्रीन पे आया हमने लिखा नहीं ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू व्हाट दिस इज इंस्ट्रक्शन मतलब हमने ट्वेल्व दिया फिर ट्वेल्व दिया बीच में हमने प्लस ऑपरेटर दिया और उसका बोला कि जोड़ के बताओ यह इंस्ट्रक्शन हो गया तो इंटरनली एवरी थिंग इज स्टोर्ड इन द बाइनरी फॉर्म बट एक्सटर्नली तो कंप्यूटर में जो भी स्टोर होता है वो किस तरह से स्टोर होता है इंटरनली एवरीथिंग इज द बाइनरी फॉर्म बट एक्सटर्नली डेटा कैन बी इनपुट टू ए कंप्यूटर इन द टेक्स्ट फार्म कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड कीबोर्ड से किस तरह से इनपुट करते हो ए टू जेड के फॉर्म में या के फॉर्म में या न्यूमरल्स के फॉर्म में या स्पेशल कैरेक्टर्स के फॉर्म में स्पेशल कैरेक्टर्स के फॉर्म में यही तो करते हैं यही तो चीज हो सकती है इनपुट करने की यही तो चीजें हो सकती हैं या तो न्यूमरल्स होंगी या तो लोअर केस कैरेक्टर होंगे या अपर केस कैरेक्टर होंगे एंड द सिंबल्स लाइक एट दिस data can be input in another language too or it can be read from the files the input data may be from different source hence it may be in different formats for example an image is a collection of red green blue pixels a video is made up of frames and free receipts a video is made up of frames एंड फी रिस इट इज़ मेड ऑफ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक करेक्टर प्राइमरली दीज आर द्री टाइप्स अपडेट वो कह रहा है कि जो हमारी जो इमेज होती है जो कोई भी फोटो लेते हैं वो फ़ोटो क्या होती है एक्चुअल में हमको फोटो दिखती है लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में क्या होती है इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू पिक्सल्स होती हैं पिक्सल्स का मतलब पॉइंट होता है कभी अपनी टी वी के बहुत करीब जाके देखना और या टी वी लेते समय ध्यान देते हैं कि कितने पिक्सल की टी वी है तो बहुत करीब जाके देखना बहुत करीब करीब पॉइंट्स दिखाई देंगे जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं उतनी अच्छी क्वालिटी होती है जितने कम पिक्सल होते हैं उतनी फटी फटी दिखाई देगी पिक्चर ऐसे ही वीडियो क्या होती है फ्रेम्स की बनी होती है ऐसे ही रिसिप्ट आपकी फ़ीस रिसिप्ट किससे होती है न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक जैसे न्यूमेरिक क्या वी कितना लगा ये नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर हो गया कितना पैसा लगा वी में पंद्रह रुपया हुआ तो पंद्रह सौ न्यूमेरिक हो गया VVN जो है तुम्हारा नॉन न्यूमेरिक हो गया ट्यूशन फीस कितनी लगी एडमिशन फीस कितनी लगी री एडमिशन फीस कितनी लगी तो ये तो इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ डेटा कल पढ़ेंगे और ये तीन तरह के डेटा होते हैं तीन तरह के डेटा स्ट्रक्चर डेटा अनस्ट्रक्चर डेटा और सेमी स्ट्रक्चर डेटा ठीक है अब इसको हम लोग बाकी चीज़ें जो होंगी टाइप्स ऑफ डेटा और डेटा uh, कैप्चरिंग ये हम लोग कल पढ़ेंगे इसको